90 के दशक में अपनी उम्दा अभिनय से देश दुनिया के करोड़ लोगों का दिल जीतने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। नमस्कार, मैं हूं पारमिता और आप देख रहे हैं यान टीवी। देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 5G नेटवर्क के कारण निकलने वाले रेडिएशन से नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और हर जीवों पर पड़ने वाले खतरनाक असर के मामलों को उठाते हुए उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ के समक्ष ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उन्होंने इसे कोई अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए 2 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। वकील दीपक घोसला के माध्यम से दायर याचिका में अभिनेत्री जूही चावला ने दलील दिया है कि अगर 5G नेटवर्क का स्थापना पूरी होता है तो दुनिया में कोई भी इंसान, जानवर, पौधा और कोई भी जीव इसके रेडिएशन से बच नहीं सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि इस रेडिएशन के कारण इंसानों में बहुत गंभीर और स्थायी असर हो सकता है और दुनिया में हर जीव साल के 365 दिन इस खतरे के बीच रहने में मजबूर हो जाएगा। जूही चावला ने 5G नेटवर्क की स्थापना में काम करने वाले अधिकारियों से एक बड़े पैमाने के लोगों को जानकारी देने के लिए निर्देश दिया है। 2018 में भी अभिनेत्री जूही चावला ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास चिट्ठी लिखकर मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई हॉटस्पॉट से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में आगाह किया है। खबर के आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। देश दुनिया के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यान टीवी।